दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक गलियारों के मशहूर पॉलिटिशियन मनीष सिसोदिया जी के बारे में। तो आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी को। मनीष सिसोदिया जी का जन्म 5 जनवरी 1972 को पीलखुआ जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश भारत में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्मपाल सिसोदिया है जो कि एक शिक्षक हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वो एक पॉलिटिक्स एक्टिविस्ट भी हैं। मनीष सिसोदिया ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से शुरू की थी। बताया जाता है कि ये जी न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो में पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं और साल 2012 में ये राजनीति में आए। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में भाग लिया था और केजरीवाल और सिसोदिया कई वर्षों से एक अच्छे दोस्त हैं। बताया जाता है कि इनकी दोस्ती 15 साल पुरानी है। फिर 2015 में पूर्वी दिल्ली के प्रतापगंज निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़े और विजय हुए। फिर उन्हें दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। दोस्तों मनीष सिसोदिया की शुरुआती शिक्षा अपने घर के पास के एक स्कूल में हुई थी और उसके बाद उन्होंने भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। मनीष इंडिया अगेंस्ट करप्शन के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने साल 2011 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों मनीष सिसोदिया जी ने सूचना अधिनियम के अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाया था। ये आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जिसके चलते उन्होंने केजरीवाल के साथ मिलकर 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। मनीष IIM अहमदाबाद भी गए थे, जहां उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय पर चर्चा की थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो दोस्तों आपको मनीष सिसोदिया के लाइफ के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।